क्या बात है, तुम कुछ खा नहीं रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं नहीं थैंक यू, बस मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अच्छा बोलो। कल जो हमारी मीटिंग है साइबर ब्रांच वालों के साथ, तो उससे पहले मैं चाहती थी हम कुछ डिस्कशन कर लें, फिर उसके बाद मीटिंग करेंगे। ठीक है, हम डिस्कशन कर लेंगे। मैं 2 बजे ऑफिस आ जाऊं? या ओके। ये लड़की कौन है, आपने बताया नहीं? कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं? वही जो इंकसार भाई से इतनी बातें कर रही है, वो वो नताशा है, इंकसार और अजीत के साथ ऑफिस में ही काम करती है। अच्छा ऑफिस को ले गए, लग नहीं रहा, इतनी फ्रैंकनेस है, इंकसार भाई से गहरी दोस्ती लगती है, बस कोलीग्स की तो नहीं होती इतनी। आप मुझे एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर में आती। आप लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं थैंक यू सो मच। बाकी मैं तो खुद तारीफ करना चाह रही थी, बहुत अच्छा इवेंट मैनेज किया आपने। कम ऑन, मैंने सिर्फ ये इवेंट मैनेज किया है, मैंने तो सारा घर डेकोर किया। अजीत ऑफिस में आपकी काफ़ी तारीफें करते हैं, आई मीन इट्स रियली इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा ये घर डिज़ाइन किया आपने, रियली थैंक यू। ये अच्छा है, आपस में एक दूसरे की तारीफें करते हैं और ये नहीं बोल रही कि ये इवेंट मेरा आइडिया था। और जहाँ तक रही इस घर के रेनोवेशन की बात, तो आने के बाद मैंने ज़्यादातर चीज़ें बदल दी, पसंद नहीं आई थी मुझे। यही तो मसला है ना अजद का, बाहर वाले लोगों से काम लेना है उसे। घर में भरपूर टैलेंट भरा पड़ा है मगर नहीं, बेकार बैठा। तुम लोग करो गप्पे लगाओ, एक दूसरे की तारीफें ना करना बोलना।